स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक तेरी मेरी डोरिया ने हाल ही में कुछ सालों का लंबा लीप लिया। इस लीप के साथ शो में योगेंद्र विक्रम ने एंट्री ली तो वहीं साहिबा और अंगद भी अलग हो गए। हर किसी को लग रहा था कि ये लीप शो के टीआरपी में काफी ज्यादा बहाली लेकर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अब कहा जा रहा है कि मेकर शो को बचाने के लिए जनरेशन लीप लाने की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल तमाम शोज की टीआरपी पर आईपीएल ने काफी बुरा असर डाला है। कई शोज तो अंडर स्कैनर हो चुके हैं, यानी कि उन्हें एवरेज टीआरपी से भी कम रेटिंग्स मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि मेकर्स अब शो को बचाने के लिए शो में नई कहानी को लेकर आएंगे और इसी के साथ नए स्टार्स को भी। हालांकि अभी शो में लीप लाने की तैयारी शुरुआती स्टेज पर ही है और अगर आने वाले वक्त में टीआरपी नहीं बढ़ती तभी मेकर्स जनरेशन लीप को लेकर आएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इस लीप के साथ अंगद और साहिबा का रोल निभाने वाली एक्टर हिमांशी परासर और विजेंद्र कुमेरिया शो से एग्जिट लेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जनरेशन लीप के साथ नए स्टार्स की एंट्री तो होती ही है, लेकिन पुराने स्टार्स अक्सर एजिड किरदारों को निभाने में कंफर्टेबल नहीं होते, लिहाजा वो शो से निकलना ही बेहतर समझते हैं। ऐसे में हाई चांसेस हैं कि अगर नई पीढ़ी का लीप आया तो विजेंद्र और हिमांशी शो से किनारा कर लेंगे। हालांकि अब देखना तो ये है कि ये जनरेशन लीप कब तक आता है और किस नए स्टार्स को शो में शामिल होने का मेकर्स मौका देंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर? अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।